वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16वें महाअधिवक्ता नियुक्त किए गए। प्रदेश में नई सरकार के बनते ही सोमवार को नए महाअधिवक्ता की नियुक्ति कर दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी को नए महाअधिवक्ता का दायित्व संभालते ही हमारी वरिष्ठ सहयोगी गोविंद ठाकरे ने उनसे खास बातचीत की। धन्यवाद। आपको नई सरकार के पहले महाअधिवक्ता होंगे, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, किस तरह से आप सरकार का पक्ष रखेंगे? एडवोकेट जनरल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि वो किस तरह है उन सब कठिन और विषम मामलों पे सही तर्क देके और सही निर्णय कराने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विषम चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करूं और जितना मुझसे बन सकेगा मैं न केवल सरकार बल्कि मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों के लिए न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। जी जी जी, जैसे जहाँ तक न्याय दिलाने की बात है तो पेंडेंसी बहुत बड़ी संख्या में है, इनके निपटान की दिशा में भी कोई आपके दिमाग में रणनीति है, उसमें सोच है? उसमें डायरेक्टली एडवोकेट जनरल का कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने साथियों के साथ इस बात को देखने की कोशिश करूँगा कि कोई भी स्थगन न लिए जाए और जब केस लगे तो हम उसको निपटाने की कोशिश करें। असल में स्थगन के मारे ये सारी प्रेंडेंसी बढ़ जाती है और वैसे भी केस बहुत फाइल हो रहे हैं, तो उसका परिणाम ये है कि आज हम देख रहे हैं कि इतनी पेंडेंसी होगी, जजेस की संख्या कम है। हम लोगों की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी जो है चीफ जस्टिस से मिलके उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपने कॉलेजियम में मीटिंग बुला के और लोगों के नाम यहाँ से ऊपर भेजें ताकि जजेस बड़ी संख्या में अपॉइंट हो सकते हैं। ये सब कोशिश करेंगे। एक व्यापक घोटाला कांग्रेस के समय से उठाती रही है कांग्रेस बड़ी प्रमुखता से, तो इसको लेके आपका रुख क्या होगा? जो पहले जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, मैं तो जब एडवोकेट जनरल नहीं था तब भी मैं व्यापम घोटाले के खिलाफ सीजे के यहाँ अपीयर हुआ हूँ और मेरी उसमें कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पूरी तरह से उसको सरकार, उसको न्यायालय के सामने रखा जाना चाहिए जिससे गलत व्यक्ति सजा पा सके। एक जन आयोग की भी चर्चा है कि कांग्रेस सरकार जन आयोग गठित करेगी और वो भ्रष्टाचार जो भाजपा शासन काल में हुए हैं उनकी उनकी जांच के लिए अलग से जन आयोग बनेगा, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? नहीं, मैं उसमें मेंबर नहीं होऊंगा, अभी तक मुझे कोई उसकी सूचना नहीं है, लेकिन ये है कि मैं किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूँगा, उसके खिलाफ ही हमेशा अपना मत दूंगा और उसको इरेडिकेट करने की कोशिश में शामिल रहूँगा। जी जी जी, एक बात ये आती है महाधिवक्ता कार्यालय में जो खासकर चालान पेश करने में जो एक कोऑर्डिनेशन की बड़ी भूमिका होती है और इसमें बहुत सारी एविडेंसेस में देरी होती है, अभी तक की देखने में ये आता है, तो उस दिशा में अपने पूरे कार्यालय को आप किस तरह से कसावट काम में देखिए? डायरेक्टली एविडेंस कलेक्ट करने में और चालान पेश करने में एजी ऑफिस की कोई भूमिका नहीं। केस डायरी की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो मामले लगते हैं, हाँ, क्रिमिनल मामले, उनके लिए ये है कि हम जल्दी से जल्दी जो पुलिस डायरी है उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, जहां जमानत के लिए जो केसेस लगे हैं उनको निपटाने के लिए केस डायरी टाइम पर आ जाए और कोई एडजमेंट ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है। एक ये भी है कि जो याचिकाएं जनहित याचिकाओं के नाम पर जो याचिकाएं लगती हैं
वो बहुत सारी ऐसी याचिकाएं होती हैं जो कि बहुत जनहित श्रेणी में नहीं आती है, उनकी पहचान को लेकर भी कुछ प्रयास किए जाएंगे अलग से ताकि समय खराब ना हो। हमारे चीफ जस्टिस खुद इस मामले में बड़े सक्रिय हैं और वो ऐसी पिटीशंस को स्वीकार करने में हमेशा असमर्थता है। तो ये मुख्य सवाल थे, और आपके मन में जहन में कोई बात हो जिसको आप नहीं, मैंने तो जो आपसे कहा उसको मैं बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बार काउंसिल इतने सारे प्रयत्न कर रही है, उन्होंने इतनी राशियां बना ली हैं जिससे अधिवक्ताओं को मरने पे उनके परिवार के लिए उस सबके लिए बहुत मदद मिल रही है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसमें जो कुछ मदद मैं सरकारी लेवल पे करा सकूँ उसको कराने की पूरी कोशिश। प्रोटेक्शन नेट जो वो जल्दी पास होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो बहुत जल्दी पास हो जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।